इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। बता दें कि भोपाल से बड़ी जानकारी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की है। कोरोना गया नहीं है, कोताही होगी तो केसेस बढ़ेंगे। नेमावर कांड में कांग्रेस के सवाल पर भी सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा लाशों पर राजनीति कर रहे हैं कमलनाथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने का भी विश्वास सारंग ने अपील की है। साथ ही उन्होंने साफ साफ कहा कोरोना गया नहीं है, कोताही होगी तो केसेस जरूर बढ़ेंगे। नेमावर कांड में कांग्रेस के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा लाशों पर राजनीति कर रही है कमलनाथ। बड़ी जानकारी। देखिए, कांग्रेस के नेता स्वयं किसी भी जनता के सेवा के प्रकल्प से जुड़ना नहीं चाहते, उन्हें नेतागिरी करनी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को उठाकर देखिए, जब जनता को कोरोना काल में सेवा की जरूरत थी तब कांग्रेस के नेता ऐशो आराम कर रहे थे। कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, या कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक हो, उन पर वो जुमला सटीक था कि ढूंढते रह जाओगे। कोरोना काल में जब जनता को जरूरत थी तो कांग्रेस के नेता गायब थे। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लेकर निवेदन किया है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखें और ये भी सुनिश्चित करें कि हम इस संक्रमण को आगे ना फैलने दें। हमारी टेस्टिंग पूरी तरह से चल रही है, सुव्यवस्थित है और टेस्टिंग में भी पीक समय पर कोरोना की जो संक्रमण था उतनी टेस्टिंग ही आज भी चल रही है। दुनिया को मालूम है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि देशद्रोह और देश के साथ गद्दारी करने का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया है। 370 धारा का समर्थन करना ये कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने जैसा लायक है। दिग्विजय सिंह हर समय आतंकवादियों को संरक्षण देने और उनको बिरयानी खिलाने की बात करते रहे। सिंह के लिए एनसीडीसी को हमने